सो व्हाट्सअप गाइस, क्या गाइस आप लोग भी मेरे तरह इस तरफ से सीवी एडिटिंग करना चाहते हैं जिसे मैं आप लोग के स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीवी एडिटिंग बहुत काल तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग भी सीवी एडिटिंग के मास्टर बन जाएंगे, ठीक है ना। बस आप लोग वीडियो कहने तक बन जाएंगे तभी, ठीक है ना। एंड देख सकते कितना बेकार तरीके से मेरा फोटो था, ठीक है ना। देख सकते कितना बेकार तरीके से मेरा फोटो था, कितना लाजवाब एंड बना दिया हूँ, ठीक है ना। इतने लाजवाब फोटो को बना दिया हूँ सिंपली, ठीक है ना। तो चिंता करने में कोई बात नहीं, क्योंकि आया का भाई इस वीडियो बतलाएगा ओनली सीवी एडिटिंग के बारे में, ओके ना। तो आप लोगों को चिंता करने में कोई बात नहीं है, क्योंकि आया का भाई इस वीडियो बतलाने वाला है कि सीवी एडिटिंग 6 से 7 से 8 मिनट में किस तरह से करें, ठीक है ना। तो आप लोग भी मेरे तरह इस तरह से पोज मार लेंगे तो, ठीक है ना। चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग पास मेरा इस वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जरूर जाए, ठीक है ना। उसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट्सअप का इसमें तो पहले नॉर्मल पहले फोटो को लेता हूँ, लेने के बाद इस पर क्लिक कर लेता हूँ, अपना पहले फोटो को शेयर करूँगा स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर, ओके ना। मैं शेयर करने बाद इस पर क्लिक करके आप लोग टूल्स वाले पेज पर क्लिक करेंगे, पहला बार कितना करके तीसरे बार के थोड़ा आगे इतना कर दे फोटो कैसे कर देते हैं जब लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्लिक करते ही आप लोग फिर से 1000 बार पर क्लिक कर देते हैं, 1000 बार में क्लिक करें पहला बार कितना बड़ा आते हैं देख सकते कितना लाजवाब तरीके से मेरा फोटो एच डी में होता है, इतना इतना बता दें इतना करें कितना लाजवाब दिख रहा है, ठीक है। इसी तक फोटो में सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब सेव करने के बाद फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ फोटो, फिर से बना फोटो यहाँ से शेयर कर लेता हूँ, अपना फोटो को मैं शेयर कराता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना। जिसमें ओपन होने में आप लोग ऊपर से साइड से खींचेंगे तो आप लोग को देख सकते हैं नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन पे आप लोग क्लिक कर लेते हैं, यानी क्लिक करते हैं आप लोग को खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब मेरा आने बाद बहुत अच्छे तरीके से अपना फोटो को कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग 3D पर क्लिक करते हैं, यानी क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कॉपी सेटिंग, ठीक है ना। तो कॉपी सेटिंग पे एंड आप लोग क्लिक करके इसको भर लेंगे, भरने बाद जो आप लोग को फोटो पेस्ट करना चाहते हैं सिंपली फिर से 3D पे क्लिक कर लेते हैं, आता है पेज सेटिंग पे, ठीक है ना। पेज सेटिंग पे जिससे आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग का फोटो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो सो जाने एंड देख सकते कितना बेहतरीन तरीके से मेरा फोटो एंड कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। सिंपली मेरा फोटो इतना हो जाने बाद फिर से मेरा फोटो के यहाँ से मैं शेयर कर लेता हूँ, पहले शेयर कर लेता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। मैं फोटो को शेयर करता हूँ पेंसिल एप्लीकेशन के अंदर, ओके। इसमें शेयर करने वाला आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। बहुत वीडियो में अच्छा अच्छा ट्रिक आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में अन बने रहिएगा। सिंपली आप लोग ब्रश को लेना है, ये भी देख सकते चलेगा, लेकिन मैं तो इसको ही ले लेता हूँ। इसको लेना भाई साइजन देख सकते इतना भी आप लोग को साइजन रखना है, ठीक है ना। साथ इसको रख लेना है, साथ फोटो को जूम कर लेते हैं आप लोग मेरे तरफ फोटो की स्मूथ करेंगे। आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग फोटो की स्मूथ कर रहे हैं तो आप लोग किसी भी एडिटिंग करना चाहेंगे। मैं साइज को छोटा कर देता हूँ, अब मैं तो आप लोग को बतलाने वाला हूँ पहले फोटो में स्मूथ करके आप लोग को दिखाऊंगा। जानते हो कि इसमें टूट लाइए और का तरीके से कर दूँ, ठीक है ना। मैं अच्छे तरीके से करके मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो में बन रहिएगा। सो व्हाट्सअप गाइस एंड देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से एंड मेरा फोटो कितना लाजवाब स्मूथ एंड सब कुछ हो गया था। एंड आप लोग भी फोटो एंड फटता होगा तो आप लोग भी इस फोटो को रिमनी एंड मार सके, ठीक है ना। मैं फोटो को भी इस वाली फोटो को मैं रिमनी मार लिया हूँ। तो मैं अब आता हूँ होम स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पर जान आने बाद अब मैं ओपन कर लेता हूँ पिकअप एप्लीकेशन को, ठीक है ना। इस वाली एप्लीकेशन को आप लोग को भी एंड ओपन अच्छे तरीके से कर लेना है। मैं इसके फाइनली गाइस में जो मैं बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ पहले तो उस वाले बैकग्राउंड को मैं ले लेता हूँ। फाइनली गाइस में जो बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ उस वाले बैकग्राउंड को मैं ले लिया। मेरे लेने के बाद जो फोटो को मैं स्कैन करके रखा हूँ पहले उस वाली फोटो को मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। आसान तरीके से आप लोग को वीडियो में बदलाने वाला हूँ, ठीक है ना। वो जाने जो फोटो को भी ले लिया था आप लोग इस फोटो को दोनों हाथ से इस तरफ से जूम कर लेंगे, जहाँ पे आप लोग लगाना चाहते हैं सिंपल तरीके से इस तरफ से आप लोग करेंगे, जान उस तरफ से आप लोग करके अच्छे तरीके से इस तरफ से बैठा लेंगे, ठीक है। एंड बैठाने वाले फोटो के सेव कर लेंगे। भाई लोग आप लोग भी फोन करेंगे तो आप लोग प्रीसेट एंड जो PNG वगैरह बैकग्राउंड वगैरह लगाऊंगा मैं आप लोग को व्हाट्सअप सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। अब मेरा पास क्या जानते हैं क्या हेयर को एंड लगाना, ठीक है ना। मैं हेयर को किस तरफ से लगाऊंगा आप लोग को दिखा रहा हूँ। सिंपल तो आप लोग करना कहें इस पर क्लिक करके इस पर अच्छा तरीके पर आप लोग हेयर को छोटा करेंगे, छोटा छोटा करके आप लोग जानते होंगे
या ना फोटो कहीं सेव कर लेता हूँ, सेव करने में आप लोग थोड़ा और हेयर को एंड बड़ा में मतलब कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप लोग को दिखाता रहता हूँ कि सबसे बड़ा एंड करते हैं, ठीक है जान। फाइनली गाइस अब मेरा बज गया थोड़ा और पीएनजी वगैरह लगाना, आप लोग को दिखाता रहता हूँ किस तरह के कपड़ों के ओनली सीवी एडिटिंग में बनाते हैं, उसी तरह आप लोग भी कपड़ों को ओनली सीवी में बना लीजिएगा, ठीक है ना। मैं और थोड़ा पीएनजी वगैरह लिया कर दिखा रहा हूँ। फाइनली गाइस पहले तो इसको मैं अपने पैर के पास लगा लेता हूँ, ठीक है ना। एकदम आसान तरीके से आप लोग भी लगाइएगा भैया, एकदम आसान तरीके से बोलते हैं ना, आसान तरीके से आराम से यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है ना। दो यहाँ से करके आईधनी में लगा लेता हूँ एंड फोटो के सेव कर लेता हूँ। बैकग्राउंड को मैं यहाँ से दो कर लेता हूँ। बैकग्राउंड दो करने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पर क्लिक करके एंड इस पर फोटो को आप लोग ले लेना एंड फोटो के यहाँ से सेव कर लेना। आप लोग फोटो इंस्टाग्राम में पोस्ट करेंगे तो आप लोग को फोटो थोड़ा भी नहीं कटेगा, फोटो आएगा, ठीक है ना। सिंपल तरीके से आप लोग भी अच्छे तरीके पहले कपड़ों के कलर ले सकते हैं, ठीक है। मैं लेते आप लोग नहीं जानते तो आप लोग फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सिंपल इस पर क्लिक करके आप लोग कलर वाले पे आ जाइएगा, ठीक है ना। आप लोग कुछ इसको लेकर इस पर क्लिक कर लेते हैं, इस पर क्लिक करके आप लोग अच्छे तरीके से पहले इस तरफ से कपड़े पे कलर ले लीजिएगा, ठीक है। अभी इतना हो जाने बाद एचडी में करने के लिए फिर से इस पर क्लिक करके इधर आना है, स्कूल डाउन इधर आके इस पर क्लिक करते हैं एंड इस पर क्लिक करें पहले बार पे आया था, ठीक है ना। इतना सर्च करेगा तो आप लोग फिर से बैकग्राउंड बेकार तरीके से दिखने लगेगा, इस वजह पे आकर इस तरह क्लिक करके अच्छे तरीके से आप लोगों को भी खा लेना, ठीक है ना। तो आप लोग एच डी में फोटो बन जाएंगे, बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग जिस तरह स्क्रीन पर दिखाया था उस तरह आप लोगों को फोटो बनाकर दिखा दिया हूँ, ठीक है ना। हमारे चैनल पर है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग पास नोटिफिकेशन जरूर मिला है, आप लोग सी वी एडिटिंग करना जरूर चाहिए, ठीक है ना। इस तरह प्यार और दुलार देते रहिए, ठीक है। फिर चलते एक और नेक्स्ट वीडियो में।